So hi everyone, welcome to Takshla Classes. This is sri Prati. I am going to start up a new course on this YouTube session. Basically, it is about the world geography, where I will make you familiar with the world places, the one one continent I will try to take up, and the mountains, the plateaus, the plains, everything we will try to understand in this series. clarity and this series will be helpful for everyone who is going to go for the competitive exams, especially for the UPS exams like IAS, CDS, or CFF, But also very, very important for any examination wherever you are appearing for. And definitely, the knowledge of world is definitely going to enhance your knowledge and your score in the examination. So today I am going to start up the series. We'll see how to see the map. हाउ टू नो द कॉन्टिनेंट और उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पहाड़ हैं कौन कौन से प्लेट्यू हैं ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे जी एंड इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग सेशन सो स्टेट लेट स्टार्ट सो आई होप एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग देर आर टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद द एशिया आपने सुना होगा एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पॉपुलरस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जहाँ पर दुनिया की थर्टी परसेंट पॉपुलेशन थर्टी परसेंट वर्ल्ड का लैंड एरिया और साठ प्रतिशत दुनिया की आबादी इस एशिया में ये जो रेड कलर आपको इस मैप में दिख रहा है दैट इज बेसिकली अबाउट एशिया इसकी बाउंड्रीज को भी चेक करेंगे पहले कि कहाँ कहाँ पर एशिया स्थित है ये सारी चीजें और अगर आप देखें इक्वेटर से ऊपर ही मोस्ट ऑफ द एशिया इक्वेटर के ऊपर सिर्फ आपका इंडोनेशिया बाकी सारा एशिया का पार्ट ऊपर है अगर हम बाउंड्रीज की बात करें ऊपर इसके ऊपर जो है आर्कटिक ओशन लग रहा है क्लियर है जी और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन है और अगर तीसरी बात करें तो दोस्त हम अगर देखें तो दोस्त नीचे स्विज केनाल एक वर्ड है जो आपको समझना है कि जहां पर बाउंड्री बन रही है एशिया की इस तरफ इस जगह को हम स्विज केनाल कहते हैं क्लियर है Claire जी दिस इज स्विज कैनाल विच इज सेपरेटिंग एशिया फ्रॉम द अफ्रीका ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्विज कैनाल काफी टाइम आपने सुना होगा ये जो अंग्रेज अगर इंग्लैंड से आना तो वो यहाँ से आते थे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से फिर स्विज कैनाल से एंटर करके इंडिया की तरफ पहुंचते थे तो स्विज कैनाल एक सेपरेट करता है और दूसरी तरफ एक यहां पर एक बैरिंग स्टेट है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैरिंग स्टेट आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड अब थोड़ा सा एशिया को अच्छे से देखेंगे मैप को अगर हम एशिया को बांटे ये तो फिजिकल मैप है और ये भी फिजिकल मैप है जो एशिया के हमने डिस्कस करने हैं माउंटेन्स को भी देखेंगे पर पहले एशिया को अगर रीजन में बांटना है तो वो कैसे बांटेंगे ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है सो लेट अस नाउ डिवाइड एशिया इनटू सर्टेन पार्ट्स सबसे पहले एक चीज और याद रखें टोटल 48 कंट्रीज हैं एशिया में दैट इज नोवेयर गोइंग टू बी आस्ट बट एटलीस्ट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वैसे नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए एक है ईस्ट एशिया इस चीज को समझे एक है ईस्ट एशिया ये सारा जो है ये हमारा ईस्ट में एशिया आता है ये साउथ ईस्ट एशिया भी इसी में आएगा ये सारा ईस्ट एशिया जी दूसरी तरफ से अगर आप बात करें साउथ ईस्ट एशिया आपको समझ आ गया ये वाला आपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एशियान सुनी हुई हैं दस कंट्रियां बहुत अच्छे से मैंने बहुत बड़ी समझाया हुआ और ये हमारा कौन सा ईस्ट एशिया जहां पर जापान ये रशिया का पार्ट चाइना का पार्ट ये सारी कंट्रीज आती हैं जी उसके बाद अगर देखें तो ये हमारा साउथ एशिया सार्क कंट्रीज भी आपने सुनी हुई हैं एम बी बी एस स्पेन नाम से सुना होगा आठ कंट्रीज हैं मालदीव बांग्लादेश भूटान श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और नेपाल इनको हम सार्क नेशंस कहते हैं तो ये एक साउथ एशिया का पार्ट बन गया ये वन है ये टू है और ये थ्री है जी अब अगर चौथा पार्ट बात करें तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिकली जिसको आप कहते हो साउथ वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट भी कह देते हैं इसको अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो मिडल ईस्ट है ये इसको हम वेस्ट एशिया भी कह देते हैं और इसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं अरेबिक कंट्री सारी इसमें आएंगी जी और ऊपर से जो ये है जो हमारा सेंट्रल एशिया कजाखस्तान किर्गिस्तान ये जितनी भी पांच कंट्री स्थान वाली कंट्रीज हैं इनको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया एम ए क्लियर टू यू तो इस प्रकार एशिया को हम बांटेंगे एशिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा जोग्राफी के लिए लेट अस सी द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ एशिया विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखेंगे जी सबसे पहले अभी नजर नहीं आ रहा क्या क्या चीजें हम स्टार्ट करें तो बिल्कुल अभी समझाऊंगा कैसे हम देख सकते हैं इन चीजों को सबसे पहले हम हिंदुस्तान के ऊपर से ही शुरू करेंगे पामीर नॉट सुना हुआ सभी ने सो so, नॉट होता क्या है जहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं दो माउंटेन रेंजेस यहां पर है पामीर नॉट क्लियर है जी जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्लियर एवरीबडी उसके बाद अगर देखे हिंदू कुश रेंज आपको दिखता है ये यहीं से हिंदू कुश रेंज दिख रहा है आपने देखा होगा हिमालयस का ही एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं काराकोरम रेंज और इसका एक्सटेंशन हिंदू कुश इसी तरफ से नीचे को जा रहा है ये सुलेमान किरतार रेंज ये भी सुलेमान रेंज भी याद रखें। पहले इंडिया को ये आसपास के देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ना दोस्त ये हिमालयाज है ये पमीर नॉट से ये तीन जगह पे निकल रहा है हिंदू कुश सुलेमान किरतार और अपना हिमालयास और इधर से ही हमारा कुनलुन शान ऊपर को जा रहा और इसके ऊपर है तेन शान रेंज आई होप इज क्लियर अबाउट दीज थिंग्स ये रेंजेस हैं दोस्त अब जरा एक और चीज इंपॉर्टेंट देखें हिंदू कुश के जब इधर को जा रहे हो तो आपको अलग अलग रेंजेस मिलती हैं वो काफी बार आई में पूछी जाती थी जैसे है एलब्रूस और जेग्रोस ये नाम जरूर याद रखें यहां पर लिखा हुआ है जेग्रोस रेंज और एबल एलब्रूस उनके बीच में है हमारा ईरानियन प्लेट्यू ये दोस्त ईरान में वेस्ट एशिया में आपको मिलते हैं ये दो नाम जेग्रोस माउंटेन्स और हमारा इस तरफ से नीचे एलब्रूस और Zegros, ये याद रखे ऊपर एलब्रूस है नीचे Zegros है ये भी याद रखिएगा कोशिश कीजिए अभी अभी स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड बडी क्लियर बोट तेन शहन समझ आ गया इसके ऊपर है अल्ताई माउंटेन्स ये भी याद रखे और ये है हमारा मंगोलिया का प्लेट्यू मंगोलिया जहां पर गोभी डेजर्ट है, आपने सुना होगा ये सारी चीजें आपको याद रखना दोस्त एक और चीज यहां पर देखें एक तो हमने देखा पामीर नॉट एक तरफ से आप देखिए अर्मीनियन नॉट ये है मेरे भाई आर्मेनियन नॉट जहां से आर्मेनियन नॉट से क्या क्या चीजें शुरू होती हैं ये चीज देखिए यहां पर टोरस रेंज है टॉरस दिख रहा है आपको सभी को जी आई एम एक्सपेक्टिंग ईच ऑफ एवरीबडी इज एबल टू सी दिस मैप आल्सो इसके इधर आया हमारा पेंटन और नीचे टॉरस ये टॉरस है और उसके ऊपर है हमारा पोंटाइन आई होप इज क्लियर अबाउट ये यूरोप को कनेक्ट करने वाली दो पहाड़ियां पोंटाइन और टॉरस ये भी याद रखेगा आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दीज रेंजेस समझ आ रही हैं सभी को छोटी छोटी रेंजेस इन आईलैंड में भी है जापान में भी है ये सारा ये जो है हमारा मैप देख रहा है ये चीज और ये जो रशिया का पार्ट है जिसको हम यूरोप में भी कर लेते हैं यूराल माउंटेन्स क्लियर है जी यूराल माउंटेन्स अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल टू सी क्लियर है जी और इधर ही आपको मिलेंगे ये काफ़ी नाम आप अगर इम्पोर्टेंट रेंजेस देखें तो ये चीज़ हो गया जी नॉर्दर्न लो लैंड्स ये यूराल माउंटेन्स तो पक्का ही याद रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और ये अल्ताई माउंटेन्स क्लियर है एवरीबडी अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया पूरी दुनिया में ही वो ही है भाई माउंट एवरेस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट इन एशिया इज़ डेड सी जो कि इज़राइल में है ये चीज़ भी याद रखेगा अब ज़रा आगे देखेंगे फिर से फिजिकल मैप ये तो माउंटेन रेंजेज मेरे को बतानी थी सीज़ भी देख लीजिए ताकि चीज़ें समझ आती रहें बे ऑफ बंगाल ये सारी चीज़ें अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिजिकल मैप को देखेंगे जो चीज़ें देखी है उससे थोड़ा और गहराई में चीज़ों को समझ पाएंगे क्लियर है जी वही चीज़ होगी तो बहुत बढ़िया समझ आएगा आपको अब ज़रा फिर से जो जो हमने पहाड़ियाँ पढ़ी हैं उन चीज़ों को देखेंगे फिर हम समझेंगे जी आई होप यू पीपल आर गेटिंग टू नो दिस थिंग दिस इज हिमालयन रेंज ये ग्रेट किंगान ये हिमालय का नीचे आपको दिख रहा है जो हिमालय है इधर अराकन योमा जो म्यन्मार में खिल रहा हुआ है और ये सुलेमान किरतार हिंदू कुश रेंज अब ये थोड़े से डेजर्ट्स भी दिखाना चाहूंगा जो नॉर्मली हमने नहीं पढ़े टकला मकान ये इधर है डेजर्ट चाइना में क्लियर अल्ताई माउंटेन ये नाम ही आप अगर याद रख लें और देख लें मैप में दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लियर है एक आपको वर्ड पुना होगा एना तोलिया प्लेट्यू ये आप वर्ड सुनेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में एना तोलिया प्लेट्यू और ये कौन सा है पोनाइन और टॉरिस के बीच में है तोलिया प्लेट्यू जी आप जरा देखें इसको एना तोलिया प्लेट्यू को ताकि समझ आ सके एक सेकंड जी मार्क करूंगा अभी आप लोग साथ में अगर हो सके तो मैप भी खोल के रखे ताकि चीजें समझ आ सके क्लियर है जी ये सभी को सो ये चीज जरा देखिए एना तोला प्लेट्यू ये है भाई That is Plateau. उसके बाद ये प्लेट्यूज थोड़ा एना तोलिया तो पक्का याद रखे जो बाउंड्री बनाता है ये वाला सी के बीच में Plateau. से ही आपको दिख रहा है नीचे अरेबियन पेनिस ये भी डेजर्ट है मेरे भाई रूबल खाली और उसके ऊपर नीचे गल्फ ऑफ एडन रूबल खाली इज ऑल्सो सो आई होप यू पीपल आर एबल टू सी दिस वर्ल्ड मैप ये प्रॉपरली एटल से ही उठाया गया ऑक्सफर्ड से ये चीज़ें समझना ज़रूरी है जो प्लेटी ऑफ ईरान है वो आपका एल्ब्रूस और जेगोरोस के बीच में है ये भी इम्पोर्टेंट है तब जो आपका प्लेटी ऑफ ईरान है दैट इज़ बिटवीन एल्ब्रूस और जेगोरोस जो अगर प्लेटी ऑफ तिब्बत है वो हमारा किसके बीच में है मेरे भाई कुल्लू शान माउंटेन्स और नीचे हमारे हिमालयाज ये चीज़ पूछ सकता है हिमालयाज नीचे ऊपर शान माउंटेन्स उसके बीच में है हमारा तिब्बत प्लेट्यू इज क्लियर अबाउट दिस थिंग इसी तरह एक नाम है यूनान 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 बिल्कुल पेनसुलाधर और ये जो यूनान प्लेट्यू है ये चाइना में है इसको देखिए जरा जल्दी और ये मार्क कीजिए यूनान प्लेट्यू भीम ए क्लियर टू एवरीबडी अबाउट दिस थिंग तकला मकान डेजर्ट आपको समझ आ गया गोभी डेजर्ट समझ आ गया ये सारी चीजें तैन शान भी देख लीजिए ये रहा तैन शान तो ये नाम आपको देखने हैं दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू सी दिस इज यूनान प्लेट्यू ये रहा यूनान प्लेट्यू चाइना के इस तरफ ईस्ट कोस्ट में आपका यूनान प्लेट्यू ये चीज याद रखिए शान प्लेट्यू बीच में म्यानमार के ऊपर यूनान प्लेट्यू चाइना के बिल्कुल किनारे पे है ताइवान के पास आपको दिख रहा है ये चीज आपने देखनी है जी सो स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स अब अगर थोड़े से प्लेन्स की बात करें एक प्लेन का नाम याद रखिएगा चाइना में आपने सुखाई भी होंगी मैं तो चाइना से नाम आता है प्लेन क्लियर है जी नाम याद रखिए अमूर के पास है मैं प्लेन्स सो प्लीज यू रिमेम्बर ये यहां पर ही हमारा मैं प्लेन्स है जी सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हेयर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ इसके बाद मेसोपोटामिया याद रखें जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में है दैट इज मेसोपोटामिया प्लेट्यू मेसोपोटामिया आपको पता होगा नाम किसका पुराना दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान याद रखे मैसोपोटामिया वो ईरान का पर्शिया मेरे भाई सॉरी इराक याद रखें मैसोपोटामिया प्लेट्यू चेक करें और उसको भी मार्क करें दैट इज बिटवीन आपने ये भी याद रखना जी क्लियर है जी ये सभी को टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर्स है ईरान की ये याद रखे इराक की ये लिखा हुआ ये नेक्स्ट मैसोपोटामिया हो गया इसके बाद इरावदी प्लेन कौन सा है ये म्यांमार में जी इरावदी प्लेन प्लेन हम क्यों हमेशा रिवर के साथ कनेक्ट करते हैं ये भी चीज आपको नजर में रखनी है दोस्त हमेशा प्लेन रिवर की डेपोजिशन से बनता है जैसे इंडो गटिक प्लेन ठीक उसी प्रकार जैसे चाइना के प्लेन्स का वो यंग से और सिक्यांग से बनता है जो चुप प्लेन है वो बनता है अमूर रिवर के साथ उसी तरह मेसोपोटामिया जरूर याद रखें किसके बीच में टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में यहाँ पर रिवर्स नहीं है तो ज़रूर रिवर्स भी आप मैप में देखें दिट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड तो ये हमारा एशिया का चीज़ें काफ़ी हमने डिस्कस किए हैं आज सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स थोड़ा सा आइलैंड्स अगर मैं थोड़ी सी रिवर्स बताना चाहूंगा प्लीज डू नोट डाउन अगर आइलैंड्स तो आपको पता है जैपनीज आइलैंड्स है जापान के ऊपर अगर आप चेक करें तो साखालीन आइलैंड्स है और क्यूराइल आइलैंड्स है ये बार बार डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है जापान और रशिया के बीच में ये जो मैंने अभी प्लेन्स बताए थे मंचूरियन प्लेन आपको दिख गया हुआ सभी को ये ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना भी दिख चुका है ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर प्लेन्स के नाम है और जो नीला कलर है वो रिवर्स का नाम है इस प्रकार आपने मैप को देखना दोस्त दो तीन बार देखें अपने आप चीजें समझ आएंगी और यहां पर आइलैंड्स आपको सभी को दिख गए हैं सारे क्यूराइल आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे फिलीपींस आपको पता है नीचे साउथ चाइना इंडोनेशिया सारा आर्खी पिलैगो वर्ड यूज किया जाता है अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो समझ आ गया जी यूफ्रेटस और टिग्री रिवर जरूर याद रखे जो मैंने अभी बताई थी जिसके बीच में हमारे प्लेन्स है मैसोपोटामिया प्लेन्स रिवर्स के नाम याद रखने गंग जो म्यांमार की रिवर हमने याद कौन सी रखनी इरावती ब्रह्मपुत्रा इंडस गंगा अपने सभी को पता भाई एक तीन रिवर्स और याद रखे जो नॉर्थ की तरफ बहती हैं और आर्कटिक सी में जाती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो तीन नदियां याद कौन कौन सी करनी है लिख लीजिए नंबर वन इज ओब से और लीना यहां पर है वो रशिया की रिवर्स ओब यानी से और लीना इन तीन नदियां जो ऊपर को फ्लो करती हैं इनको भी याद रखना अपने मित्रों सो दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड मेकोंग रिवर म्यांमार में है दोस्त आपको भी पता होना चाहिए अमूर रिवर है हुआंगे और यांग से सबसे बड़ी नदी अगर एशिया की बात करें तो वो यांग से है सो so, ये था आज का एशिया का नॉलेज जो मैंने कोशिश किया आपको समझाने की अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू गिव अस अ फीडबैक डेफिनेटली आई विल ब्रिंग आउट द मोर वर्ल्ड मैप थ्योरीज अबाउट यू एक एक कंट्री को भी स्लोली स्लोली देखेंगे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कल आप सभी लोग इस कंट्रीज़ को देख के आए और इनकी इस जो एशिया की कंट्रीज़ हैं फिजिक पोलिटिकल मैप में इनकी कैपिटल्स याद करें स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे आपने सुना होगा कजाखस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान इसका तरीका भी बढ़ाऊँगा भाई जैसे ताजिकिस्तान को याद रखना हम दुश्मन के ताज पहनते हैं तो ताजिकिस्तान की दुशान भी तरीका भाई याद होंगी सारी उज्बेकिस्तान की राजधानी है यू और टी को मैच करना साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज भी याद रखिए यार ये बेसिक है जिसके ऊपर आप फर्दर बनाएंगे नॉलेज तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये मैप में नहीं आती वो इनडायरेक्टली पूछ सकता आपसे कंट्री सारी स्टेट्स की कंट्रीज की कैपिटल्स और सारी कंट्रीज की कैपिटल्स जरूर याद रखें दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो आज के लिए इतना जी आई होप यू पीपल इन्जॉयड द सेशन फॉर एशिया वी हैव डिस्कस टूडे थैंक यू वर्ल्ड जोग्राफी सीरीज कॉन्टिन्यू रहेगी आपको चीजें समझते रहेंगे दो तीन बार देखें इसको ये नहीं कि रट्टा मारना भाई ऑब्जर्व करें अपने आप आपका लेवल बढ़ेगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद एवरीवन एंड कीप वर्किंग हार्ड